आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बसपावासी में हुई चोरी का 24 घंटे के अंदर हुआ खुलासा। चोरी के अभियुक्त निकले पिता व पुत्र विजय भुल। पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत माया राम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व राजेश कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी बांसी एवं शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में पीएचसी बांसी में तैनात स्टाफ नर्स जो मोहल्ला आर्य नगर थाना बांसी सिद्धार्थनगर में किराए के मकान में रहती है, अपने कैंसर पीड़ित सास की दवा है लखनऊ गई थी और पीछे से उनके घर में चोरी हो गई, जिसमें थाना बांसी पर दिनांक पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के तत्काल अनावरण हेतु विजय टुल पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा सख्त आदेश प्रभारी निरीक्षक बांसी को दिए गए। प्रभारी निरीक्षक बांसी में पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित निम्न अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर चोरी का 100% माल बरामद किया गया। अभियुक्त गण आपस में पिता पुत्र हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गण राजेश कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम उजागिर वर्मा, मनीष वर्मा पुत्र राजेश वर्मा निवासी गढ़िया बिशुनपुर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर हाल मुकाम कांचीराम आवास मकान संख्या 735 ब्लॉक संख्या 62 थाना व जनपद सिद्धार्थनगर। उपरोक्त सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम का उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा 5,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। पूरा मामला क्या था, क्या चोरी हुई, बरामद क्या हुआ? ये कल दिनांक 28 जुलाई को थाना बासी में हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक स्टाफ नर्स जो कि बासी में किराए के मकान पे रहती है अपने परिवार के साथ, वो कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई थी, घर उनका बंद था, किसी से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर का ताला खोलकर घर में उनके रखे हुए करीब 3,70,000 रुपये नकद और जो उनके गहने वगैरह थे वो सब चोरी कर लिए गए हैं। इस सूचना पर थाना बासी में सुरक्षा धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 24 घंटे के अंदर ही थाना बासी की टीम के द्वारा इसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ इसका सफल अनावरण किया है और 100% जो माल चोरी हुआ था, कैसे चोरी हुए थे, वो सब अकाउंट फोर हो गए हैं, वो सबकी बरामदगी हो गई है। मेरे द्वारा सफल अनावरण के लिए और इतनी त्वरित अनावरण के लिए बासी पुलिस की टीम को 5,000 रुपये नगर इनाम इसमें दिया गया है। इसमें उनके करीब 3,70,000 रुपये नगद जो रखे थे कैश में वो चोरी हुए थे, तो उसके सापेक्ष 2,80,500 रुपये नगद बरामद हुए हैं। उसके अतिरिक्त चोरों के द्वारा एक एक्टिवा स्कूटी खरीदी गई है, वो पुलिस के द्वारा सीज कर ली गई है और लगभग 57,000 रुपये के स्टाम्प पेपर उन्होंने खरीदे थे, जिस जो ये आगामी कुछ दिनों में एक जमीन खरीदने वाले थे उसके लिए वो सभी स्टाम्प भी पुलिस के द्वारा बरामद हो गए हैं और करीबन 4,75,000 रुपये के इनके जो गहने थे वो सभी गहने और जो कीमती धातु का सामान उनका चांदी के सिक्के और चांदी के बर्तन वो सब भी पुलिस द्वारा 100% बरामद हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इतने कम समय में पुलिस द्वारा थोड़ी कार्रवाई करते हुए उनका वादी का पूरा सामान बरामद कर लिया।